हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान स्कूप में। तो इस वीडियो में बताऊंगा एक सिंपल सा बिल एंट्री के बारे में। तो दोस्तों, हमें कई बार ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है सिंपल बिल की अपनी खुद की पर्सनल डेटा के लिए। अगर आपने कोई सामान खरीदा है, तो अगर मान लीजिए आपको अपने पर्सनल डेटा के लिए आपको उस सामान की एंट्री करना है या उस सामान का आपको डेटा रखना है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ सिंपल बिल बिना CGST SGST के। सिर्फ सिंपल सा बिल कैसे एंट्री करेंगे, मैंने पिछली वीडियो में CGST और SGST के साथ एंट्री के वीडियो बना चुके हैं और आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, हम एक नई सीट ओपन करते हैं और जितना हमको यूज़ है उतना हम बॉर्डर सेलेक्ट कर लेंगे। फिर ऊपर की लाइन हमें मर्ज कर देना है जितना हमें यूज़ होगा, तो हम तीन लाइन यहाँ पर हम मर्ज कर लेंगे। और यहाँ पे हम अपना शॉप नेम डाल देते हैं। और यहाँ पे हम एड्रेस डाल लेंगे। और यहां पे हम डालेंगे इनवाइस एंट्री। और इसको थोड़ा सा हम मैनेज कर देंगे। तो अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरे लाइन में इनवाइस नंबर डालेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं इनवाइस नंबर। और इसमें आइटम नेम डालेंगे, जो भी हमने सामान लिए हैं तो यहाँ पे आइटम नेम लिख देते हैं। और इसमें क्वांटिटी डालेंगे, तो यहाँ पे हम क्वांटिटी लिख देते हैं। और यहाँ पे रेट डालेंगे, तो यहाँ पे हम रेट लिख देते हैं। और यहाँ पे हम अमाउंट डालेंगे, तो अमाउंट लिख देते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसको यहाँ से फिल करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डालेंगे इनवाइस नंबर, तो यहाँ पे हम अपना पूरा इनवाइस नंबर पहले डाल देते हैं। और अब आइटम नेम डालेंगे, तो हमने जितना सामान लिया है उसका पूरा आइटम नेम यहाँ पे डाल देते हैं। और अब हम यहाँ पे आ जाते हैं क्वांटिटी पे। हमने जितना जितना सामान लिए हैं यहाँ पे हम क्वांटिटी डालेंगे उसका। और अब आ जाते हैं रेट पे, बिल पे जितना रेट लगा हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और अब आ जाते हैं अमाउंट पे, तो अब आपको अमाउंट निकालना बता देते हैं। तो इन दोनों का अमाउंट निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है, इक्वल, फिर क्वांटिटी पे क्लिक करेंगे और फिर मल्टीप्लाई और फिर रेट पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है। तो एक का आ गया, अब सारे का लाने हैं, तो सारे पे कर देंगे हम स्क्रॉल डाउन। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे का आ गया। और अब यहाँ पे हमें ग्रैंड टोटल लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रैंड टोटल।
और यहाँ पे इन सारे का टोटल कैसे आएगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ऑटो सम पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे भी सारे टोटल हो गए हैं। अब मैं फटाफट इसको कलर फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर फिल हो गया है। तो दोस्तों ये सीट हो गया कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।